मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और आप लोग का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, ममताज लाइफ में। आज मैं आई हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे गांव जाना है। मेरी बड़े जेठ की लड़की का इंगेजमेंट है 28 को, तो हम लोग गांव जा रहे हैं। बच्चे नहीं जाएंगे, मैं और ये जाऊंगी। और आज पल्लवी भी जा रही है, बहुत दिन रह चुकी है यहाँ। बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है। बच्चे लोग रहते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है। पूछी का भी साथ था, एक बड़ी दीदी थी साथ में, तो अच्छा लगता था। पर उनका भी पढ़ाई लिखाई है, मम्मी है, पापा है वहाँ, तो कितने दिन रुक सकती है, जाना ही पड़ेगा। तो आज वही मैं शॉपिंग करने आई हूँ। थोड़ा बहुत कुछ सामान वगैरह है जो लेना है। फिर हम लोग भी आज पल्लवी निकलेगी कल रात को, परसों सुबह हम लोग भी निकलेंगे, क्योंकि हम लोग को भी 27 तक वहाँ पहुँच जाना है। बच्चे लोग का एग्ज़ाम है, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। बाबू जाने वाला था तो उसका भी फिर एग्ज़ाम पड़ गया, इसलिए वो भी नहीं जाएगा। पूछी सब शादी में जाएंगे। तो हम चलिए आज शॉपिंग करूँगी, क्या क्या लेना है दिखाऊँगी। उसके बाद पल्लवी जाएगी, उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग तो हमेशा देखते रहते हैं पल्लवी को। और वहाँ बच्चे नहीं जा रहे हैं, कौन शूट करेगा? पल्लवी को बोलूँगी, वही वीडियो मेरा बना देगी। यहाँ पे भी बनाती थी। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या। और इसके पहले वाला ब्लॉग सब आप लोग ने देखा कि नहीं, कैसा लगा कमेंट करके बताए। नहीं, जो देखता है वो लाइक भी नहीं करता है और कमेंट भी नहीं करता है। तो प्लीज़ जो देख रहे हैं वो कम से कम लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, जितने ही देखते हैं वही। और हाँ, मैं आप लोग को एक बात ही बताना भूल गई, मैं यहाँ भी बैठी हूँ गाड़ी में, इनका इंतज़ार कर रही हूँ। ये गए हैं स्कूल, उनका वो कौन सा है स्कूल पता नहीं, वो रहा स्कूल उनका, वो देखिए वो गए हैं स्कूल। अभी स्कूल से आएंगे तो फिर मैं साथ में जाऊँगी। अकेले अकेले अच्छा भी नहीं लगता है, दूर भी है यहाँ से, तो वो आएँगे तो उनके साथ ही जाऊँगी। ऐसे तो मार्केट में घूमते नहीं हैं साथ में, अकेले ही करना पड़ेगा बाजार। आज पल्लवी भी जाने वाली थी, इसीलिए घर पे भी बहुत काम था, तो पिंकी को लेके नहीं आई। और पूछी कॉलेज गई हुई है, और पल्लवी को लेके नहीं आई कि फिर दिन भर मार्केट में थक जाएगी और उसको जाना है, तो देखते हैं, अकेले ही करना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं बाद में, बाय। हाँ, इनका शर्ट पैंट ब्लेजर लेना हो गया। हाँ, हमको कुछ नहीं लेना है। कौन? नहीं नहीं, ब्लेजर आया हुआ है बोल रहे थे। ब्लेजर लेंगे क्या? नहीं, अभी नहीं लेंगे, आएंगे तो लेंगे। अभी बहुत ठीक ही लगता था, ले लीजिए ना, आपको तो ऐसे लेते भी नहीं है ना। चलिए अब इनका हो गया। पल्लवी की विदाई, पल्लवी की विदाई, पल्लवी की विदाई, सब लोग को बाय बाय। हाँ ठीक है आंटी जी। हाँ बाय बेटा, जाइए ठीक से जाइएगा। आइए पहुंच ही रहे हैं हम लोग। कुछ टाटा श्री आपको, बाय टाटा। बाय बाय।
ये जाने तो भी और सामान आगे रखला गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। कल पल्लवी चली गई, घर खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये नारियल का गुड़ा लाके मैं बहुत दिन से रखी थी, ज़्यादा दिन रखने पे ख़राब हो जाता है। पुची हल्ला कर रही थी, मम्मी बना नहीं दे रही हैं। मैं सोची मुझे भी जाना है तो बना के रख दे रही हूँ, पुची खाएगी तो इसके। चलिए मैं नारियल का मिठाई बना रही हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। नारियल की मिठाई बनाने के लिए नारियल का गुड़ा चाहिए, चीनी चाहिए और एवरीडे दूध चाहिए, एक कप पानी और फूड कलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कढ़ाई में एक कप पानी डाल दीजिए आप, इसमें थोड़ा सा जब गर्म हो जाए पानी, खौलने लगेगा, तब आप उसमें अपने जितना मीठा आप लोग को पसंद है उतना मीठा चीनी डाल लीजिए। किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, जिसको जैसा पसंद हो उस हिसाब से अपना चीनी डाल लीजिए। तो उसके बाद उसको चलाते रहना है पानी में मिक्स करके, जब तक चीनी पूरा घुल ना जाए तब तक चलाते रहना है। और ये मिठाई बनाने में ज़्यादा झमेला नहीं है, बहुत झटपट बन जाता है, 2 मिनट में आराम से बन जाता है। और पूची को ऐसे भी नारियल का मिठाई बहुत पसंद है उसको, इसलिए बीच बीच में जब तक बनाते रहती हूँ उसके लिए। उसको जो तो मिठाई खाती नहीं है, इसलिए मिठाई ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बना के रख देती हूँ, वो खाती है बीच बीच में। यहाँ देखिए चाशनी तैयार हो गया है, एक तार का चाशनी बनाना होता है। चाशनी तैयार है, उसमें आप फूड कलर मिला दीजिए, जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर आप डाल सकते हैं। मेरे पास ऑरेंज भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है। तो पूजी को ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है तो बोली मम्मी ग्रीन बना दीजिए। देखिए एक तार का चाशनी हो जाता है, अच्छी तरह से पूरा मिला लीजिए। और मिल जाने के बाद इसमें ये नारियल का गुड़ा जो है वो इसमें डाल दीजिए, डाल के अच्छी तरह से चला लीजिए। पूरा नारियल के गुड़ा, ज़्यादा पानी मत डालिए, ज़्यादा पानी डालने से गीला हो जाने से फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसके बाद में आप एवरीडे दूध का पैकेट, उससे क्या होता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बांधने में अच्छा होता है, अच्छा से बंधा जाता है पूरा। जितना आपको डालना हो डाल लीजिए। डालने के बाद में अब ये तैयार है, इसका लड्डू बनाएंगे हम लोग। पूरा अच्छी तरह से दूध डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करना। मुझे अभी थोड़ा इसमें लग रहा है दूध कम है तो और थोड़ा सा मैं डालूँगी। खाने के बाद थोड़ा दूध दूध का भी टेस्ट आता है, अच्छा लगता है खा के। गैस बंद कर दीजिए और मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद में हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के ये तैयार हो गया है आपका नारियल का। इसको जैसा शेप देना है आप वैसा बना सकते, भी गर्म है, हाथ भी जल रहा था पानी लगा लगा के। इसका मैं अभी लड्डू बना लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए लड्डू तैयार हो गया, लड्डू क्या मिठाई है नारियल का, तैयार हो गया है। उसके ऊपर से चेरी से इसको डेकोरेट कर दिए हैं। कैसा लग रहा है मिठाई देख के, मुँह में पानी आ रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। आप लोग ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिएगा और खाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग को बाय।